आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज आए हैं हम 3 iTech इंजीनियर्स। वहां देखेंगे अपने काम की कुछ मशीनें जो हमारे डेयरी व्यवसाय में, डेयरी फार्मिंग में बहुत ही कारगर हैं। तो चलिए देखते हैं। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो मेरे किसान भाई, मेरे व्यूवर्स, मेरे दोस्त हमें और आपको देख रहे हैं कैमरे की नज़र से, उन्हें पहले अपना एक छोटा सा परिचय दें और अपना और अपनी कंपनी का। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्ते जी। और आप लोगों का स्वागत है यहाँ पे। मैं आयुष पांडे हूँ और ये 3 iTech इंजीनियर्स है। हम लोग मैन्युफैक्चरर्स है, डेयरी प्लांट सेटअप करते हैं टर्न की बेसिस पे। तो पांडे जी, जैसा कि आज मैं देख रहा हूँ, आपने कहा कि ये डेयरी प्लांट है, तो इसमें आपकी कंपनी कौन कौन सी मशीनें बना रही हैं हमारे किसान भाई, हमारे जो है फार्मर्स के लिए, जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं, जिससे कि मेरा जो सीधा साधा कोई डेयरी फार्मर है वो सोचे कि दूध ना बेच के कुछ अलग हटके कुछ करना चाहे। ठीक है, हम लोग डेयरी प्लांट सेटअप करते, डेयरी से रिलेटेड जैसे मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट हो गया, कर्ड प्रोसेसिंग हो गया, घी प्रोसेसिंग हो गया, खोआ मशीन, डेयरी से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट हैं हम सबकी मशीन के मैन्युफैक्चरर्स हैं जी। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ मिनी डेयरी प्लांट के लिए। हाँ, चक्कर ये जो हमारा छोटा किसान है, थोड़े उसने जो है डंगर रख रखे हैं और अपनी डेयरी का एक सेटअप कर रखा है, अगर वो अपना प्रोसेस करके अगर बेचता है सामान तो उसे ज़्यादा मुनाफा होगा, तो कुछ ऐसा समझाइए और बताइए। देखिए, जो जैसे छोटे किसान हैं, जैसे छोटे डेयरी फार्मर्स हैं, जैसे जिनके पास 500 लीटर दूध है, 1000 लीटर या 3000 लीटर दूध है, प्लस जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जो अभी हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और जो दूसरे इंडस्ट्री से हट के डेयरी में आना चाहते हैं लेकिन वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, कम इन्वेस्टमेंट में ही एक नया प्लांट डालना चाहते हैं, उनके लिए ये मिनी डेयरी प्लांट सबसे बेस्ट है। अभी जैसे आपको एक प्लांट दिखाने वाला हूँ 300 लीटर पर आर का। ठीक है, तो दिखाइए सर। हाँ, जैसे 300 लीटर पर आर है, इसमें क्या, जैसे किसी के पास 1000 लीटर दूध है या 500 से लेकर 3000 लीटर दूध है जी। अब उसको हमने एक कॉम्पैक्ट वर्जन में एक प्लांट की डिज़ाइन की है। बहुत से जिनको पाउच पैकिंग करनी है या बॉटल फिलिंग करनी है या कई प्रोडक्ट बनाने, जैसे घी हो गए, पनीर हो गया, खोआ हो गया, इसी मिनी डेयरी प्लांट में हम आपको सब कुछ दे देंगे जिसमें ये सारे मल्टीपल प्रोडक्ट आप बना पाओगे। इसकी शुरुआत ऐसे होती है, जैसे सपोज करो आपके पास दूध आया, आपके डेयरी फार्मर फार्मिंग से दूध आया या मिल्क कलेक्शन से आपने दूध किया, पहले आप उस दूध को अपने BMC में रख सकते हैं। इस BMC, तो ये जैसे आपने कहा BMC, तो होता क्या है कि मेरा जो किसान है वो नहीं समझ पाता, तो BMC क्या है? ये बल्क मिल्क कूलर है। इसका काम है जो जैसे कच्चा दूध है सुबह का, रॉ मिल्क जिसे कहते हैं, उससे क्या है कि अगर आप 2 घंटे तक उसको बाहर रखोगे उसका बैक्टीरिया काउंट बढ़ के वो दूध फट जाता है जी। तो अगर हम इसको इसी BMC में रख दे तो ये BMC उसको 4 डिग्री पे ठंडा मेंटेन करके रखेगी। आप 24 घंटे भी रखोगे वो दूध फटेगा नहीं, और ये इसका पंखा रेगुलर उसको चलाता रहेगा, उसका हाँ, वो मतलब घुमाता रहेगा। हाँ जी, घुमाता रहेगा और बनी रहेगी, और इस कंट्रोल पैनल से उसको टेम्परेचर अपना पता चलता रहेगा, 4 डिग्री तक मेंटेन रहेगा। अगर कभी भी ये 6 से ऊपर जाता है ये अपने आप इसका कंप्रेशर ऑन हो जाएगा और इसको 4 पे मेंटेन करेगा, तो यहाँ से हमारा दूध आगे अपना ठंडा रहेगा। अब ये है कि अगर हमें जैसे क्रीम निकालनी है जी, जैसे बहुत से लोग होते हैं क्रीम निकाल के उसका घी बनाना होता है, तो ये क्रीम सेपरेटर है जिससे आप अपना क्रीम निकाल सकते हैं। अच्छा, और इससे आप अपने मिल्क के फैट कंटेंट को मेंटेन भी कर सकते हैं। जैसे आपको जितना फैट चाहिए एक अपने मार्केट में देने के लिए, उस हिसाब से इससे आपको अपना मेंटेन भी कर सकते हैं। अब ये आ जाता है हमारा जो मेन मिनी डेयरी प्लांट में मेन मशीन होती है, इसको कहते हैं HTST मिल्क पैश्चराइजर। ये 300 लीटर पर आर का पैश्चराइजर प्लांट है। इसमें है कि अगर जैसे आप 1 घंटे में 300 लीटर को पैश्चराइज करके अपना स्टोर कर सकते हो,
इसमें खास बात ये है कि ये प्लेट बेस्ड पैश्चराइजर होता है जिसमें 80 डिग्री तक टेम्परेचर जाके अपना होल्ड होके फिर 4 डिग्री पे चिल्ड होके अपना पैश्चराइज होके आउट हो जाएगा। अच्छा, इससे बाहर निकल जाएगा फिर। हाँ, पैश्चराइज करने का सबसे बेस्ट बेनिफिट ये होता है, एक पैश्चराइज मिल्क की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। 7 दिन तक इसको 4 डिग्री पे आप मेंटेन करके रख सकते हो, और इसमें हाइजीन कंडीशन होती है तो लोगों को पैश्चराइज मिल्क ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें अगर आप जैसे देख रहे हो, इसमें कंट्रोल पैनल है जो अपना अलग अलग टेम्परेचर भी बताता रहता है जी। इसमें एक रॉ मिल्क का टेम्परेचर क्या है या 80 डिग्री कितना पहुंचा और 4 डिग्री पे आउट हुआ, इस कंट्रोल पैनल से आप पूरा फंक्शन हाँ, वो जो कर सकते ये हो। पैनल में जो अपने 4 मीटर दिए हुए वो वहाँ रीडिंग दिखाता रहेगा, कौन से दूध की कंडीशन क्या है। हाँ जी जी, ये आप अगर देख रहे हैं जैसे इसमें हमने बैलेंस टैंक, मिल्क पंप, इलेक्ट्रिक बॉयलर, जैसे बहुत से लोग नए एंटरप्रेन्योर्स है वो अर्बन एरियाज में अपने छोटे छोटे डेयरी प्लांट सेटअप करते हैं और वहाँ पे उनको बॉयलर लगाने का बहुत दिक्कत आती है, तो इलेक्ट्रिक बॉयलर लगा सकते हैं जिससे उनका पॉल्यूशन के सर्टिफिकेट इन सब का झंझट खत्म हो सकता है। इसमें होल्डिंग कॉयल्स है, ये एक लेटेस्ट मशीन है एक जिससे मिल्क का एक पैश्चराइज मिल्क का जो हाइजीन कंडीशन होती है मेंटेन रहती है और काफ़ी अच्छे उस पर एक ब्रांड एक क्वालिटी वाला मिल्क बायर को मिलता है। अब हम इससे आ जाते हैं स्टोरेज टैंक की तरफ जी। ये जब पैश्चराइज हो जाता है तो ये पैश्चराइज मिल्क को हमें इस स्टोरेज टैंक में जमा करना होता है। जैसे सपोज करो अभी आप उसको पाउच पैकिंग नहीं कर रहे या उसको बॉटलिंग नहीं कर रहे या उसका अभी कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे, अभी आपको सिर्फ पैश्चराइज करके स्टोर करना है। अच्छा। तो ये स्टोरेज टैंक होता है जो कि इंसुलेटेड बॉडी होती है। इसमें फायदा ये होता है कि आप 4 डिग्री पे जो पैश्चराइज मिल्क को रखोगे जी वो 24 घंटे तक मेंटेन रहेगा उसका टेम्परेचर, और इसको अपना जैसी 4 से वो 6 के नीचे जाता है फिर आप अपना वापस उसको चिलिंग करके इसी में स्टोर करके रख सकते हो। ये इंसुलेटेड होता है, SS304 की बॉडी होती है, इसमें भी हमारा पूरा मिल्क का क्वालिटी मेंटेन रहता है। ये हमारा सिंगल हेडर मिल्क पाउच फिलिंग मशीन है। अच्छा, 200 तो जो हमारे बाजार में वो पैकिंग में आता है पाउच में वो इससे पैक होता है। जो मिल्क की थैलियां होती है 200 या 500 ml तक की, जैसे जो छोटे किसान होते हैं उनको 500 ml या 200 ml की थैलियां मार्केट में देनी होती है तो उनके लिए मशीन होती है ये 500 ml की, जिसमें आप पाउच पैकिंग करके अपना ब्रांडेड ब्रांड अपना मार्केट में दे सकते हैं जी। ये जैसे और ये आगे जो है ये क्या है सर? ये सर ये एक लिक्विड फिलिंग मशीन है, ये मल्टीपर्पज लिक्विड फिलिंग मशीन है। जैसे बड़े बड़े अर्बन एरियाज में आजकल न्यू एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं वो बॉटल फिलिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो ये सेमी ऑटोमेटिक, हाँ, एक ट्रेंड चला है कि हाँ जी कांच की बोतल जी पैक करके जब दूध जो है वहाँ जा रहा है। जैसे आजकल शहरों में थोड़े अर्बन लोग होते हैं वो थोड़े कांच की बोतल में ज्यादा पॉली पैक नहीं चाहिए वो इस हिसाब से, तो इससे आप अपनी फिलिंग कर सकते हैं। इसमें मल्टीपर्पज इसलिए होता है, जैसे जो घी आप बना रहे हो उसकी ग्लास फिलिंग कर सकते हो आप, घी जार फिलिंग, या आप कप फिलिंग भी कर सकते हो दही के पर्पज पे, तो ये मल्टीपर्पज हो जाता है जी। तो ये क्या है, ये क्या है सर, इस मशीन के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जब हम मिनी डेयरी प्लांट देते हैं तो जो हमारे कस्टमर होते हैं उनके पास उतना वो नहीं होता शुरू में कैपिटल कि वो मेजर मशीन्स लगा सके बड़े स्तर पे। जी जी। तो हम एक खोआ मेकिंग मशीन या इसको आप मल्टीपर्पज मशीन भी कह सकते हो, ये गैस बेस्ड और डीजल बेस्ड होती है। इसमें ये होता है कि गैस डीजल और हाँ ये गैस और डीजल से चलती है, मतलब ये लीड जो है इलेक्ट्रिक या हाँ मतलब इसमें जो केटल है हाँ जी ये घूमता है, ये बिजली से घूमता है। इसमें एक एचपी अच्छा, अच्छा, मोटर अच्छा, होती है जो फ्यूल होता है जो बर्नर गर्म करते हैं, या तो गैस से कर सकते हो या तो आप डीजल से कर सकते हो। इसमें ये बेनिफिट होता है जैसे अगर आपको पनीर के लिए दूध गर्म करना है तो आप इसमें दूध गर्म करके अलग से टैंक में उसको फाड़ सकते हो, या अगर आपने जैसे क्रीम सेपरेटर से क्रीम निकाली, अब आपका है कि मैं इसका घी बनाना चाहता हूँ तो आप इसमें क्रीम गर्म करके अपना बटर बना के क्रीम कर वो अपना घी बना सकते हो, और अब कि अगर आपको खोआ बना सकते हो, मिठाई से रिलेटेड कई प्रोडक्ट, इससे छेना भी निकाल सकते हो गर्म करके, वो फाड़ के छेना निकाल सकते हो, तो हम इसको मल्टीपर्पज प्रोडक्ट बना सकते हो, इसके के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो सर ये तो जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है फ्रीजर है। हाँ जी, इसका भी रोल है कुछ? हाँ जी, देखिए जैसे अब वही बात हो गई, जैसे मिनी डेयरी प्लांट है जी, ठीक है, अब ये है कि उन्होंने पाउच की थैलियां अपनी पाउच निकाल दिए, या मिल्क से रिलेटेड जैसे दही है या पनीर हो गया, खोआ हो गया, दही हो गया, अब उनको है कि हमें स्टोर करना है तो हम ये डीप फ्रीजर दे देते हैं। जैसे 500 लीटर का डीप फ्रीजर है, इसमें आप अपना स्टोर कर सकते हो कई दिन तक जी।
हाँ मतलब पाउच वगैरह इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। ये 500 लीटर का डबल डोर डीप फ्रीजर है जी, सेल्फ रोस्ट कंपनी का, काफी अच्छी कंपनी का है ये। तो इसमें आप अपने सारे डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं। और ये सर ये क्या क्या है? देखिए ये एक इंडक्शन सीलिंग मशीन है, जैसे आप घी बना रहे हैं ठीक है, अब घी को जार में आपको सील करना है, तो ये मशीन है जिसमें आप अपने एल्यूमिनियम फॉइल को इसमें रख के अपना सील करके फिर इसको बंद करके अपना मार्केट में। अच्छा ये जो है एल्यूमिनियम फॉइल इसे सील कर देगा, ये सील कर देगा, इसके हीट इसको सील कर देगा, इंडक्शन सीलिंग मशीन है। अच्छा हाँ जी। तो सर आपने ये अपने मिनी प्लांट के बारे में इतनी जानकारी दी, लेकिन अब एक सवाल आता है किसान या फार्मर की तरफ से कि ये जो आपकी मशीन है इनकी गारंटी या वारंटी क्या चीज़ है, कितने टाइम की है? देखिए हमारी हम जब प्लांट लगाते हैं जी तो हम उसमें एक साल की फ्री सर्विसेज की गारंटी देते हैं जी। जैसे अगर सपोज करो प्लांट लगाए, अब ये है कि किसान ऐसा तो नहीं है हम पे डिपेंड रहेगा, उसको तो काम तुरंत तुरंत करना होता है, तो हम ये करते हैं जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो साइट में हम उन्हीं के एक बंदे को ट्रेनिंग भी देते हैं। अच्छा जिस टाइम आप ये लगा के आते हैं उसी टाइम उसे जानकारी देते हैं? उसको जानकारी देते थे, जैसे कि कोई भी ऐसी शॉर्ट इमरजेंसी लगती तो वो उस ग्राउंड लेवल पे हैंडल कर ले, अगर वो नहीं कर पा रहा वीडियो कॉल पे हम उसकी हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आती है तुरंत फैक्ट्री से बंदा जाएगा और वहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर कर आएगा। एक साल तक हमारी पूरी सर्विसेज रहती है, उसके बाद हम AMC प्रोवाइड करते हैं जी। तो अब सर ये तो बात आपने अपनी गारंटी वारंटी और सर्विस के बारे में बताई, दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आपका प्लांट है, सब कुछ है, लेकिन किसान का जो पैसा है, फार्मर का जो पैसा है वो थोड़ा मेहनत वाला होता है, तो वो उसी हिसाब से सोचता है कि भाई इतना बड़ा है इतना महंगा होगा क्या होगा। तो जितने भी लोग देख रहे हैं अब सबकी इच्छा यही है कि मतलब ये सेटअप तो महंगा होगा पता नहीं क्या होगा, तो उनकी जो जिज्ञासा है उसे आप थोड़ा सा शांत करें, बताएं कि ये कितने तक में ये प्लांट पूरा सेटअप, मतलब जो भी आपने चीजें दिखाई हैं वो सभी कितने में जो है आप लगा सकते हैं? देखिए ये हमने मिनी प्लांट एक कॉम्पैक्ट प्लांट डिजाइन किया है जिसमें हमने मिल्क पैश्चराइज करने तक, उसको पाउच पैकिंग करने तक, प्लस उसके अलावा जो मल्टीपर्पज दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे घी पनीर खोआ दही ये सब बनाने तक का हमने इसमें डिजाइन किया है। और ये हमने एक मिनिमम ये मतलब ये डीप फ्रीजर भी उसी में है, और ये हमने मिनिमम इसका प्राइस रखा है 10 लाख से स्टार्ट कर देते हैं हम इसका जी, प्लांट जी, 10 लाख में ये प्लांट आ जाता है। और बहुत से किसान भाई जिनमें पैसों की दिक्कत आती है इसको स्टार्ट करने में, लेकिन वो ये प्लांट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नाबार्ड है उनको 25% सब्सिडी देगा, इसके अलावा जो अपने नाबार्ड से लोन की भी सुविधा की सुविधा है, बहुत अच्छे 25% सब्सिडी देता है जी। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में उनके जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट होते हैं उनके अलग अलग स्कीम चलती है स्टेट गवर्नमेंट की जी, प्लस आप MSME के थ्रू भी एक 10 लाख का लोन उठा सकते हैं। तो सरकार इस डेयरी प्लांट के रिगार्डिंग इसके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग काफ़ी मदद करती है किसानों और नए एंटरप्रेन्योर्स का। अब सर एक बात आती है कि अगर कोई मेरा डेयरी फार्मर या कोई बिजनेसमैन या किसान भाई अगर ये आपका प्लांट लगाना चाहता है तो वो आपसे कहाँ कांटेक्ट करे और किस तरीके से वो आपसे मिल सकता है और आप कहाँ पे लोकेटेड हैं? देखिए हमारा 3iTech इंजीनियर्स ग्रेटर नोएडा इको प्लॉट नंबर 182 उद्योग केंद्र एक्सटेंशन 2 इकोटेक 3 ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर, ये हमारा एड्रेस है जी। हमारा मोबाइल नंबर वीडियो पे फ्लैश हो रहा है, आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं, कोटेशन ले सकते हैं, कुछ भी अपने जो हम देखिए मैन्युफैक्चरर्स भी हैं हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स भी हैं, तो आप किसी भी तरीके से हमसे कॉन्टैक्ट करके जो जानकारी चाहिए हम वो देंगे। हमसे अगर आप फैक्ट्री में आके मिलेंगे बहुत अच्छी बात है, यहाँ आके हम आपको मशीन भी दिखा सकते हैं, प्रैक्टिकल करके भी दिखा सकते हैं चीज़ों को, और उससे आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो सर आपने अपने मिनी इस मिल्क प्लांट के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी और इतनी सारी चीज़ें बहुत बारीकी से बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों आपने सर से इस मिनी डेयरी प्लांट के बारे में इतनी अच्छी जानकारी ली, अगर उनकी दी हुई जानकारी और मेरी की हुई कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।